किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए दिल्ली पुलिस भी तैयार है। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने की दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से बातचीत। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस एन श्रीवास्तव जो हमारे साथ हैं, सर पहला सवाल हमारा है कि 23 तारीख को किसानों ने जो किसान प्रदर्शन है उसको और तेज करने की कोशिश की है का ऐलान किया है, दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी है? दिल्ली पुलिस हर एक चुनौती के लिए तैयार है। हमने देखा है पिछले करीब एक महीना होने जा रहा है 26 तारीख को, इनकी संख्या बढ़ रही है, रोजाना नए प्रकार से अपनी चीजें सामने रख रहे हैं, लेकिन हर एक चुनौती के लिए दिल्ली पुलिस उसी प्रकार से अपने को तैयार कर रही है और हमें पूरी कॉन्फिडेंस है कि हम इस नए चुनौती को भी अच्छी तरह से हम संभाल पाएंगे। सर आपने एक बात की कि संख्या बढ़ रही है, किसानों की संख्या बढ़ रही है? नहीं, किसानों की भी संख्या बढ़ रही है और उसी अनुसार से हमारी जो पुलिस कर्मी भी है जरूरत के अनुसार से उनकी भी हम डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। अगर कुछ बता पाए कि कितनी फोर्स है, चाहे गाजीपुर बॉर्डर, क्योंकि दिल्ली पुलिस कोरोना के दौरान लॉ एंड ऑर्डर संभालना, उसके बाद बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर बंद है, सिंघू बॉर्डर बंद है, टीकरी बॉर्डर बंद है, तो इन तीनों बॉर्डर पर किस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है, कितनी संख्या रही होगी? यही तीन बॉर्डर नहीं बल्कि तमाम बॉर्डर्स हैं और वैसे भी बहुत सारे ऐसे बॉर्डर्स पे भी विजिलेंस रखा जा रहा है। तो हमें अपनी हमारे लिए सारी दिल्ली पुलिस अवेलेबल है और साथ में हमें गृह मंत्रालय द्वारा कई सारे हमारे कंपनियां दी गई हैं, जो सीएपीएफ की कंपनियां हैं वो भी दी गई हैं। तो ये कुल मिलाकर के इनकी डिप्लॉयमेंट की गई है और मैं इस जो अपने जो डिप्लॉयमेंट है, जो पुलिस अरेंजमेंट्स हैं, उससे मैं संतुष्ट हूँ।